हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्त? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी जो हम नया टॉप हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, ये हमारा क्या एक नया सीरीज है। नया सीरीज क्या है मतलब, तो हमने क्लास 12th का सेमीकंडक्टर अपना स्टार्ट किया है, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप मेन मेंटलिस्ट पे सर्च कर सकते हैं सेमीकंडक्टर का अभी। तो साथ के साथ हम क्लास 11th का पार्ट भी शुरू करेंगे, क्योंकि 26th ऑफ जुलाई को नीट पेपर है, 19th ऑफ जुलाई को मेंस का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर, आप 11th के कंटेंट को भी स्टार्ट कीजिए, हमें भी बेनिफिट हो। तो हमने कहा जरूर वो भी स्टार्ट करते हैं, 11th का कंटेंट भी। तो इसके लिए हमने नया सीरीज किया, ये 11th का ये पार्ट जो है 11th का कंटेंट है। हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, नीट कंसंट्रेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जब मैक्सिमम मैक्सिमम नीट एंड मेंस कंसंट्रेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे एज ए एग्जाम्पल सॉल्व करूँ। और उसके साथ क्या करना है आपको कि देखिए, हमारे पास बोर्ड पे इतना टाइम नहीं होता है कि अपन बहुत सारे 10 20 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सके, एग्जाम्पल में ले सके। तो उसके लिए क्या है कि मैं क्या करूंगा कि हर दिन के लेक्चर में उस टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, आप उसको ड्राइव से डाउनलोड कर ले और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर वेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उस पर डाल दूंगा। तो आप वहां से आपको चेकअप भी कर सकते हैं, और स्टिल कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हमें उसको सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और हम कोशिश करेंगे कि हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो चलिए इसी बातों के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ कि नीट में अच्छा मार्क्स करना है, अच्छा प्रिपरेशन करना है, हम सही तरीके से जाएं तो हम अच्छे से तैयार हो। देखिए, पढ़ता बहुत इंसान है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक सही तरीके से पढ़ने वाला मंजिल तक आसानी से पहुंचता है। तो अभी जो हमारा प्राइमरी टारगेट है नीट और मेंस, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, कंटेंट को सही तरीके से समझना है। वीडियोज़ में कहीं आपको लगे कि नहीं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो आप इसको फॉरवर्ड कर लीजिए, 1.5 या 1.75 पे आप इसको प्ले करके देख लीजिए, ताकि आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। और एक बात मैं फिर से कहूँगा कि असाइनमेंट्स आप सॉल्व करते ही जाए, ताकि आपको बेनिफिट मिले, और मैं उसके सॉल्यूशन भी डालता जाऊंगा। और मैंने बताया, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको जरूर जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रॉमिस के साथ कि हमें नीट और मेंस में अच्छा रिजल्ट करना है, इसी प्रॉमिस के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज यूनिट एंड डायमेंशन। जहां तक हो सकेगा हम करते जाएंगे, जहां तक मैं कर सकता हूं, जहां तक आप कर सकते हैं, करते जाइए। यूनिट एंड डायमेंशन हमारा टॉपिक, मेरा नाम है संजीव कुमार झा, और काम करेंगे मेन मेंटलिस्ट के साथ। आप ढूंढ सकते हैं MEANMENTALIST, मेन मेंटलिस्ट चैनल है। चलिए तो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सबसे पहला काम हमारा है फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? जिसको एक कोई भी चीज हमारे अराउंड में, कुछ भी ले लीजिए जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, विच आर मेजरेबल। तो क्या होगा हमारा, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। हम इसको मेजर कर सकते हैं, और जो भी चीज़ मेजर करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप, कौन सा? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हमारा क्या होता है फंडामेंटल, और दूसरा होता है डिराइव्ड। दूसरा कौन सा हमारा हो गया? डिराइव्ड। अब ये फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपने 0 से लेकर 9 तक पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक बात याद कीजिए, 0 से 9 के बीच में आपने, अच्छा 0 से 9 के बाद कोई सा भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 12 या कुछ भी नंबर आप ले लीजिए, क्या वो 0 से 9 से मिलके ही बनता है? क्या वो 0 से 9 को आपस में मिला के ही बनता है, मेरा कुछ भी इसके अलावा नंबर हो तो? वही बात यहां पे है हमारे पास। जैसे अगर मैं इसको फिजिक्स के टर्म में कहूं, तो ये हमारा फंडामेंटल हो गया, ये फंडामेंटल नंबर्स हो गए, और इनको मिला के बनने वाला नंबर्स जो है वो कैसा हो गया? डिराइव्ड नंबर्स। तो यहां पे जो हम बात करेंगे, तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटी के दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन करके हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है। समझ गए इस बात को? तो चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? तो हमारे पास फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मास इज द वेरी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, ML मास लेंथ टाइम हो गया, टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है। इसके बाद करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी क्या होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। कितना हो गया? 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स, और सेवेंथ होता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है हमारा ये लुमिनस इंटेंसिटी, ये भी हमारा क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, मास सबको पता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मतलब क्या है कि चलिए मास को हमने मास से लिख दिया, अच्छा यूनिट बाद में लिख लेंगे, मास को एम से रिप्रेजेंट, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, करंट हो गया, करंट को ए से, चलिए मास को एम से करेंगे, लेंथ को एल से करते हैं, टाइम को टी से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लोग के से डिनोट कर देंगे, करंट को आई से कर देंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल बोलते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला बोलते हैं। ये बात हो गई। अब इनके हेल्प से बनता है डिराइव्ड क्वांटिटी, जानेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, छोटा सा एग्जांपल जैसे वेलोसिटी की बात कर लीजिए। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा भाई, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ में, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके कॉम्बिनेशन से बना ना वेलोसिटी हमारा। तो ऐसा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे, पहले हम इस पे बात करते हैं फंडामेंटल पे। अच्छा अब एक चीज देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हो गई तो इनका क्या यूनिट भी होता है, मैं इसको रब कर रहा हूं इस चीज को, तो इसका भी यूनिट। अब आते हैं यूनिट पे, फंडामेंटल क्वांटिटी समझ के, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, और इसके साथ इनका यूनिट। तो अब यूनिट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, यूनिट क्या होता है। तो देखिए यूनिट क्या होता है कि किसके कंपैरिजन में अपन मेजर कर रहे हैं, क्या था फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने वाली चीज। अब मैंने बोला कि आप मान लीजिए शॉप पे गए, मैंने आपसे बोला कि एक किलो चीनी, मैंने कहा चीनी खरीद के लाओ, तो आप दुकानदार को क्या बोलोगे कि एक चीनी दो, किससे कंपेयर करके चीनी दो भाई, एक किलो का दो, या किससे कंपेयर करके, किसी के कंपैरिजन में होगा। तो हम बोलते हैं 1 kg चीनी दीजिए, तो 1 kg यहाँ पे हम 1 kg के रेस्पेक्टिव मतलब बेस क्या हो गया 1 kg, 1 kg से कंपेयर करके देना है उसको। तो यही हमारा kg जो होता है ना, ये यूनिट हो गया हमारा, है ना। मैंने बोल दिया कि तुम जाओ और इसके बराबर का चीनी ले आओ, है कि नहीं है। तो जो इसका वेट हुआ वो उसका वेट हुआ, इससे लेके आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज बेसिकली रेस्पेक्टिव होता है। तो यूनिट क्या हो गया हमारे पास, हम जो कुछ भी क्वांटिटी लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, एन इंटू यू। तो एन को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। एन क्या होता है हमारा, ये मैग्नीट्यूड, और यू क्या होता है, यूनिट। यू क्या होता है हमारा, यूनिट। जैसे मैं समझिए कि हमने कहा कि भाई इसको मेजर करके बताओ कितना बड़ा है, हमने कहा इसको मेजर करो कितना बड़ा है। तो आप कहोगे 1 meter, 2 meter, 3 meter। मैंने कहा ऐसा मीटर मीटर हम जानते नहीं है, मुझे इस पेंसिल के रेस्पेक्ट में मेजर करके बताओ। तो मेजर करूंगा 1 pencil, 2 pencil, 3 pencil, 4 pencil, 5 pencil, 6 pencil, 7 pencil। तो हमने कहा लेंथ ऑफ द, इसका जो लेंथ है इज इक्वल टू 7 into pencil। हुआ कि नहीं हुआ हमारा। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अब ये पेंसिल मेरा यूनिट हो गया, क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। फिल कीजिए यूनिट क्या होता है एक्चुअली, कि हम 7 into pencil हम इसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं ना ये चीज। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे यूनिट, और ये 7 क्या हो गया हमारा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। 7 क्या हो गया हमारा, ये मैग्नीट्यूड, कि जिसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे उसके रेस्पेक्ट में क्या मैग्नीट्यूड हुआ। तो इस ये जो मैंने रे बनाया, इसका लेंथ हमने ले लिया 7 into pencil, मतलब 1 pencil into 7, 7 times ऑफ दिस पेंसिल। समझ में आया यूनिट क्या होता है। ऐसे हमने बोला 2 kg, तो 2 इज द मैग्नीट्यूड एंड किलोग्राम इज द यूनिट। तो किलोग्राम क्या है, उसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, ये है मेजरमेंट का यूनिट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बात आप समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एन इंटू यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अब ये यूनिट भी दो टाइप का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक क्या होगा हमारा फंडामेंटल, और दूसरा क्या होगा हमारा डिराइव्ड यूनिट। ये भी दो टाइप का, ये भी डिराइव्ड यूनिट। अब ये क्या होगा, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है उसको अपन फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और यूनिट ऑफ क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड का जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट यूनिट बोलेंगे। ऑब्वियसली फंडामेंटल यूनिट बेसिक यूनिट हो जाएगा। अब इससे मिल के दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स को आपस में जोड़ के एक नया यूनिट बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट, सिंपल थिंग, है ना। तो चलिए जरा यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं, किसका क्या यूनिट होता है फंडामेंटल में, है ना। तो फंडामेंटल में जान लेते हैं क्या क्या था फंडामेंटल में एक बार फिर से। हमारे सबसे पहले हमारे पास मास था, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, डिनोट किससे करते हैं अपन, एम से। मास के बाद सेकेंड क्या था हमारे पास, लेंथ, लेंथ का फंडामेंटल क्या होता है हमारा, मीटर। क्या होता है हमारा ये, मीटर।
एम ई टी ई आर मीटर होता है, और इसको अपन किससे, मास को एम से शो कर दे, लेंथ को एल से शो कर देंगे, है ना, या कैपिटल एल, चलिए स्मॉल एल, उससे नहीं फर्क पड़ता है अभी। थर्ड हमारा क्या था, टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, सेकेंड, सबको पता ये चीज, सेकेंड एस से शो कर देंगे। फोर्थ चीज हमारा क्या, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, तो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का हमने क्या बोल दिया, देखिए इसका हम क्या बोलते हैं कि इसका डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है और केल्विन भी होता है, दोनों होता है, है ना, हम लोग केल्विन में काम करते हैं जोली, तो मैं केल्विन बोल देता हूँ इसको भी, है ना, अभी हम केल्विन ले रहे हैं फंडामेंटल में, केल्विन, और साथ यहाँ पे इसका डिनोमिनेशन क्या होता है, थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, के से भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा से भी डिनोट किया जाता है और के से भी किया जाता है। और इसके बाद फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ यूज करते हैं बता देता हूँ मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद है ना अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोल, इतना मोल ऑफ वाटर, इतना मोल ऑफ वाटर, तो यूनिट क्या हो गया इसका, मोल, और डिनोट कैसे करते हैं, मोल से। और ऐसा हमारे पास सिक्स्थ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद सिक्स्थ नंबर में क्या बताया था हमने आपसे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या था हमारे पास, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चलिए करेंट भी ले लेते हैं पहले, करेंट हो गया हमारे पास, करंट का क्या होता है, एम, करंट को आई से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यूनिट क्या होता है, एम्पियर, डिनोट करते हैं आई से, और सेवन ले लिया हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या हो गया, लाइट वगैरह का इंटेंसिटी होता है ना, ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में कि ये लाइट का क्या होता है, कितना इस लाइट का इंटेंसिटी कितना है ना, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, वो सब पढ़ेंगे आप वेव में। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हम क्या करते हैं, कैंडेला, कैंडेला इसका यूनिट होता है सी ए डी, एंड कैंडेला इसका यूनिट होता है, और सी ए डी से इसको अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, इसका हमारा रिप्रेजेंटेशन है। और डिराइव्ड का आपको पता है, किसी को भी जोड़ दीजिए, हमने कहा था कि ऐसे मैंने डिस्टेंस, हमने क्या वेलोसिटी की बात की थी ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या हुआ हमारा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, ये डिराइव्ड यूनिट हुआ, है ना, और ये वेलोसिटी क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी है कि नहीं है, हमने फोर्स बोल दिया, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू, चलिए हमने बोला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, आई मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, पता है ना सबको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गया हमारा, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, और मीटर पर सेकंड क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट, है ना, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी, हमने फोर्स बोल दिया, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास के बदले क्या, तो मास के बदले, तो मास, मास के बदले यूनिट क्या था, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के बदले क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखिए हम फोर्स, मास, फंडामेंटल, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या था हमारा, मास तो फंडा, हमको क्या करना है, हमने आपसे क्या बोला कि डिराइव्ड क्वांटिटी को अपन फंडामेंटल के फॉर्म में लिखने का है, तो इसको अभी लिखना सीख लीजिए, डायमेंशन लिखने में आसानी होगी। तो चलिए, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास इनटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये तो हुआ रेट ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चलिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये तो होगा ना चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगा, एल बाय टी, तो ये डिराइव्ड हुआ कि नहीं हुआ, देखिए है कि नहीं है, तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी होता है ना, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को अपन न्यूटन बोलते हैं, तो क्या हो गया, ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, क्या हो गया मेरा, ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। यही होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और इनको मिला के, देखिए किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, किलोग्राम, मीटर और सेकेंड को मिला के हमने एक नया यूनिट बनाया न्यूटन, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तक आप समझ गए क्या चीज होता है ये। तो अब होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या है हमारे पास इसके बाद यहाँ पे, अच्छा देखिए मेजरमेंट का, अब इसकी कहानी मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें कि मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, पहले FPS, MKS, ये वो दिस दैट, ऐसी लंबी लंबी कहानियां मैं आपको बता सकता हूँ, है ना, फुट पॉइंट सिस्टम, है ना, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है कि नहीं है, तो CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ये सब मैं बता सकता हूँ, लेकिन बेसिकली अपन दो सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे, जो अभी के डेट में यूज होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी, है ना, और फिर अपन डायमेंशन के बारे में जानेंगे, इसको मैं अभी रब करता हूँ, फिर से इसको लिखना पड़ेगा एक बार, लेकिन फिर से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से आगे की बात करते हैं, क्या है हमारा, मैंने पहले ही कहा कि मैं वो लंबी चौड़ी 12वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी की कहानी आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि कितना पैसा कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं यहाँ से YouTube से, ठीक है, क्या करना था अपने को, क्या करना था रे, अच्छा ठीक है, क्या करना था, हाँ ठीक है,
देखिए मेरे पास स्पेशली यूजुअली मेरे पास अभी क्या है, इंटरनेशनली दो सिस्टम होते हैं। दो सिस्टम हम क्या यूज करते हैं यूजुअली अपन, कौन कौन सा? एक तो SI सिस्टम होता है हमारे पास और दूसरा होता है CGS सिस्टम। इसको अपन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। ये मेजरमेंट का सिस्टम है, क्या है हमारे पास ये इंटरनेशनल। क्या है कि पहले क्या था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ कि एक हमने क्या किया कि एक फिक्स कर दिया कि अब अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 1 किलोग्राम ऑफ राइस है तो यह पूरे वर्ल्ड में 1 किलोग्राम ही होगा। जब ट्रेड पूरे दुनिया में स्टार्ट हुआ, पहले क्या था, पहले लोकल मेजरमेंट सिस्टम था, बताएं FPS MKS ये सब लोकल मेजरमेंट सिस्टम था, है कि नहीं है। हमने 2 हाथ मेजर कर लिया, 3 हाथ ऐसा मेजर कर लिया, ये पाँव ऐसे ये मेजर कर रहे हैं, 1 पैर 2 पैर ऐसा मेजर कर रहे हैं। तो ये सब मेजरमेंट लोकल मेजरमेंट था, है ना। किसी का हाथ बड़ा, किसी का हाथ छोटा। मैंने कहा कि दुकान से जाओ 5 हाथ कपड़ा खरीद के लेके आओ, भाई उसका हाथ छोटा था, मुझे चाहिए थे मेरे हाथ से 5 हाथ, वो लेके आया इतने से 5 हाथ, तो मेरा काम तो नहीं बना, डिस्ट्रॉय हो गया, वो नुकसान हो गया। तो इस सब को प्रॉब्लम जब वर्ल्ड वाइड मतलब ट्रेड शुरू हुआ तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि कोई ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि हर किसी जगह क्या हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो कि जो मैंने बोला है वही तुम भी समझो, मैंने बोला 1 किलोग्राम तो तुम भी 1 किलोग्राम ही समझो। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसका नाम क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। पूरे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को। अब अगर अब आप 1 किलोग्राम बोलोगे तो दुनिया में कहीं भी जाओ तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम ही मेजर किया जाएगा, है ना। और उसी का सेंटीमीटर, ये SI सिस्टम हो गया, और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इससे लोअर यूनिट होता है, इससे लोअर यूनिट होता है, है ना। यहाँ पे अपना जैसे कि मान लीजिए मीटर SI यूनिट है तो सेंटीमीटर कैसा हो जाएगा, CGS सिस्टम में आ जाएगा। किलोग्राम अपना SI यूनिट है तो ग्राम कैसा हो गया, CGS में चला गया, है कि नहीं है। तो ये यूनिट कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं। तो अपन बेसिस SI सिस्टम और CGS पे ही चर्चा करते हैं, वो MKS FPS वगैरह अब अपने काम का नहीं है, आउटडेटेड बात हो गई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हम समझ गए हैं। तो अब बात है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ना वो SI यूनिट्स ही हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने लिखा था अभी अभी वो सब SI यूनिट ही हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन की बात करते हैं। तो देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के रेज टू द पावर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के रेज टू द पावर के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं किसी चीज को, वही होता है डायमेंशन फॉर्मूला इसका, है कि नहीं है। मैं डेफिनेशन वगैरह पे उतना डीपली नहीं जा रहा हूं, लिखवा सकता हूं मैं डेफिनेशन, वैसे मैं नोट्स में डाल दूंगा डेफिनेशन वगैरह, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। डिट्टो जो बोर्ड पे करते हो डिट्टो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं डेफिनेशन वगैरह यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो डायमेंशन का क्या मतलब होता है, देखिए बताया मैं डायमेंशन का मतलब, फंडामेंटल क्वांटिटी के रेज टू द पावर के फॉर्म में लिखने का तरीका, वही हमारा डायमेंशन हो गया। तो हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली 3 डायमेंशन, अभी देखिए क्या क्या है मेरे पास, मास के बदले अपन क्या फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन, मास के बदले मैंने क्या बोला फंडामेंटल क्वांटिटी के रेस टू द पावर में लिखना है। तो डायमेंशन पहले हमको पता किसका है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो मास के बदले अपने वो क्या डायमेंशन लिखते हैं, एम लिखते हैं, चलिए कैपिटल एम लिखते हैं। लेंथ के बदले फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे, लेंथ के बदले कैपिटल एल, टाइम के बदले टी, करेंट के बदले डायमेंशन ए, करंट के बदले डायमेंशन क्या, ये डायमेंशन फॉर्मूला है, क्या है मेरा ये डायमेंशन फॉर्मूला, याद रखिएगा ये डायमेंशन फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है मेरा ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। और टेम्परेचर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, के या थीटा बताया था ना, ये डायमेंशन है हमारा, ठीक है। ये चीज टेम्परेचर के लिए विजिलियम को 4 तक का ही काम आता है, इससे ज्यादा काम नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो जो हमने लिखा था ना मोल और कैंडेला, फिर इसके बाद क्या था हमारे पास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सब्सटेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यूजुअली हमको सिर्फ और सिर्फ इस 4 का ही जरूरत पड़ता है यूजुअली, लेकिन अगर जरूरत ज्यादा पड़ जाए तो हम मोल वगैरह को नहीं छोड़ेंगे। पहले क्या था कि पहले सिर्फ MLT 3 ही इक्वेशन डायमेंशनली होते थे, मतलब 3 ही डायमेंशनली लिया जाता था, फिर हमने ऐड इसको भी जोड़ा कैंडल, अब तो मोल भी लिखा कई जगह मिल जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला में, मोल को भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो ले लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं डायमेंशन, ये फंडामेंटल डायमेंशन आपको याद रखना है ना। और अब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे, कैसे सीखेंगे कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए डायमेंशन फॉर्मूला सीखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले से बहुत फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, एकदम सीखना है यहाँ पे, आज यही प्रैक्टिस करना है। वेलोसिटी क्या होता है, यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर आपको यूनिट पता है किसी भी क्वांटिटी का, अगर यूनिट मालूम है तो डायमेंशन बड़ी आसानी से लिखा जाएगा।
यूनिट आपको पता होना चाहिए, किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट होगा या तो अब मालूम होना चाहिए या डिराइव करने का तरीका आना चाहिए कि यूनिट कहे से आएगा कुछ से तरीके से। जब तक यूनिट नहीं मालूम तब तक डायमेंशन नहीं मालूम, ठीक है। तो चलिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का क्या होता है एल सेकेंड का, टाइम तो क्या हो जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, है ना। चलिए अब जैसे एक्सेलरेशन की बात कर ले, तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के बदले एल टी स्क्वायर, तो एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू। देखिए क्या कहा था, फंडामेंटल के रेस टू दी पावर में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, यही है डायमेंशन फंडामेंटल एम एल टी इसके रेस टू दी पावर में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, यही है डायमेंशन फॉर्मूला, यही हमारा क्या है डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए थर्ड फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स का क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब मास का कितना किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन एक्चुअली है क्या, न्यूटन यही तो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या बोला कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए आपको फंडामेंटल में जाना पड़ेगा, फंडामेंटल के फॉर्म में, रेज टू द पावर फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, डिराइव्ड की नहीं होगा। तो न्यूटन तो हमने उसका नाम दे दिया, लेकिन एक्चुअली वो क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, किलोग्राम का एम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा एल टी माइनस टू, है ना। देखिए किलोग्राम का एम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीटर का एल और सेकंड स्क्वायर का टी माइनस टू, तो किसका हो गया फोर्स का हो गया। जैसे मान लीजिए वर्क डन की बात कर लेते हैं, वर्क डन का बता दीजिए कितना होगा, तो वर्क डन का हमने बात कर लिया, तो क्या होता है वर्क डन फोर्स एफ डॉट डी एस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमने क्या निकाला है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा एल, तो फाइनली क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये हमारा किसका हो गया एनर्जी का हो गया, वर्क डन का हो गया, है कि नहीं है। अब जैसे एक चीज मैं यहां से बताता हूं आपको, एक चीज ध्यान रखना है इसके बाद, ये इसको ही देखिए, ये और ये इन तीनों को समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार आएगा। क्या है कि चाहे हमने कहा फोर्स का ये डायमेंशन होता है और वर्क डन का ये डायमेंशन होता है, क्या वर्क डन ही एनर्जी कहलाता है, क्या वर्क डन ही एनर्जी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अब ना फोर्स कोई सा भी हो, फोर्स कोई सा भी हो, है ना, कैसा भी, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव, किसी भी टाइप का फोर्स है, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू ही होगा, चाहे कोई सा भी फोर्स है, है ना। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन अलग होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायमेंशन अलग होगा, ऐसा नहीं होता है, वही डायमेंशन होगा सबका, फोर्स है तो एम एल टी माइनस टू, दैट्स इट, है ना। अब जैसे वर्क डन एनर्जी, ये क्या है एनर्जी का हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर मैं आपसे कहूं काइनेटिक एनर्जी का, तो आपको निकालना नहीं है, सीधा ML2 T माइनस टू, ML स्क्वायर T माइनस टू, टी टू माइनस टू। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी यही होगा, विंड एनर्जी, किसी भी एनर्जी का यही डायमेंशन फॉर्मूला होगा, समझे इस बात को, यह बात आपको याद रखना है, किसी भी डायमेंशन, किसी भी एनर्जी का यही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो हर अपन यहां पे काइनेटिक एनर्जी का इसका उसका, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको करके दिखाता हूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए, एक एग्जांपल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। चलिए तो हाफ की बात तो हाफ रह देते हैं, है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी चर्चा करेंगे हाफ का डायमेंशनल क्वांटिटी में, इसको अपन डायमेंशन में नहीं लिखते। एम का डायमेंशन बोलिए क्या, किलोग्राम, तो एम मास का यूनिट किलोग्राम, वी वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, राइट, यही होता है हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा, किलोग्राम के बदले एम, मीटर स्क्वायर के बदले एल स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर, तो टी की पावर माइनस टू। देखिए दोनों सेम टू सेम है कि नहीं, कोई सा भी एनर्जी होगा उसका डायमेंशन हमारा कैसा होगा, सेम टू सेम ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है आपको, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। यहां से आगे चलते हैं क्या होता है। अब चलिए ऐसे हमने एक्सेलरेशन की बात की, तो कोई सा भी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, कुछ भी एक्सेलरेशन, तो वही फॉर्मूला होगा, तो कुछ नहीं चेंज होगा इस बात में से, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा इसको मैं रब करता हूं, आगे चलते हैं यहां से, अभी और डायमेंशन लिखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारा डायमेंशन लिखना है। चलिए और डायमेंशन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, कुछ एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा टॉर्क का, लिखिए जैसे हमने कहा टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बोलिए, आर एफ साइन थीटा, यही होता था क्या, आर एफ साइन थीटा, याद है क्या टॉर्क का डायमेंशन, आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला। चलिए आर क्या था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है एल, फोर्स, फोर्स, तो फोर्स का क्या एम एल टी माइनस टू, अभी भी याद किया है साइन थीटा का नहीं होता है, तो कितना हो गया एम एल टू टी माइनस टू। अब देखिए क्या होता है मेरे पास, यहां पे
चलिए तो ML2T-2 समझ में आ गया टॉर्क का यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है, डायमंड टॉर्क का हो गया। ऐसे मान लीजिए किसका ले ले, एंगुलर एक्सेलरेशन का ले लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला याद है एंगुलर एक्सेलरेशन का आपको भाई? अल्फा इक्वल टू क्या होता है बोलिए, आर इंटू ए, यही तो होता है ना, आर इंटू ए। तो चलिए आर का क्या हो जाएगा हमारे पास, एल का, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए, यही तो होता है, याद है ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ते हैं ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ऐसे ही क्या हो गया हमारे एंगुलर आर अल्फा, आर ए अल्फा इक्वल टू आर इंटू, सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा होता है, आई एम रियली सॉरी, एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक है ये चीज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा निकालना है तो ए बाय आर, ए बाय आर इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी माइनस वन अपॉन क्या है मेरे पास, आर, आर बोले तो एल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा, देखिए एल से एल कैंसल, तो अल्फा का क्या आ गया, टी की पावर माइनस वन, देखिए टी की पावर माइनस वन, दैट मीन्स ये हो गया हमारा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। इसी को मोर प्रिसाइसली लिखेंगे तो एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन, ये हो गया हमारे पास। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर लीजिए तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, वन बाई टाइम, तो क्या हो जाएगा भाई, टी की पावर माइनस वन, सिंपल सी बात है, होगा कि नहीं होगा ये चीज, कोई सा भी ले लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, कौन सा ले ले, कोई सा ही बोल, जैसे चलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का ले लेते हैं, तो क्या होता है यूनिवर्सल, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी का निकालना है तो जी इक्वल टू एफ इन टू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, यही होता है जी का यूनिट। डायमेंशन चेंज करते हैं, न्यूटन का हमको पता है एम एल टी माइनस टू फोर्स वाला, मीटर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर इन टू किलोग्राम का इनवर्स स्क्वायर, तो एम का इनवर्स स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एम माइनस टू प्लस वन तो एम टू दी पावर माइनस वन, एल टू और थ्री तो एल टू दी पावर थ्री और टी टू दी पावर माइनस टू, ये किसका हो गया, जी का हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, है कि नहीं। विस्कोसिटी ऑफ कॉफिशियंट नीटा का ले लेते हैं, जैसे विस्कस फोर्स आएगा मान लीजिए क्वेश्चन में, तो क्या होता है एफ इक्वल टू विस्कोसिटी टर्मिनल फोर्स 6 पाई नीटा आर वी, यही तो होता है 6 पाई नीटा आर वी, जिसमें मेरा क्या होता है फोर्स होता है, ये टर्मिनल वेलोसिटी होता है, ये नीटा को अपन कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो नीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, नीटा इक्वल टू एफ एफ अपॉन 6 पाई आर वी, यही होगा नीटा का। लगाइए एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, 6 पाई की बात नहीं करेंगे क्योंकि डायमेंड अभी बताऊंगे इस बारे में, ये नंबर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेंगे। आर का क्या हो जाएगा एल और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, सबको सॉल्व कर दीजिए, एक एल से एक एल चला जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा एम, फिर क्या बचेगा टी की पावर माइनस टू, ये ऊपर जाके क्या बचेगा, ये प्लस वन हो जाएगा तो टी की पावर माइनस, चलिए एक बार लिख लेते हैं, माइनस टू एल की पावर माइनस वन और टी की पावर प्लस वन हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए तो एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, क्या हो गया हमारा ये नीटा का हो गया। किसी का भी ले लीजिए, किसका ले ले, मान लीजिए यंग मॉडुलस का ले ले, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का ले लेते हैं, चलिए यंग मॉडुलस का कर लेते हैं, उसका भी देख लीजिए, है ना। फॉर्मूला बस क्या होता है हमारा यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही तो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है कि नहीं है। तो चलिए स्ट्रेस का बताइए क्या होता है यंग, यही तो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस की बात करें तो यंग मॉडुलस में क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता है ना। तो इसको ऊपर करते तो क्या होता था, एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये फॉर्मूला हो गया यंग मॉडुलस का, नहीं मालूम है याद कर लीजिए, फॉर्मूला हो गया यंग मॉडुलस का। अब डायमेंशन लिखिए क्या होगा, फोर्स का क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एल का एल, एरिया का एल स्क्वायर, डेल्टा एल का भी क्या होगा एल, ये कैंसल, एल ऊपर जाएगा तो माइनस टू, सॉल्व कर लीजिए तो इसको सॉल्व कर क्या बनेगा एम एल की पावर माइनस टू प्लस वन, तो एल की पावर क्या बनेगा माइनस वन टी की पावर माइनस टू, यंग मॉडुलस का हो गया। किसी का भी निकाल लीजिए, गैस कांस्टेंट का निकाल लेते हैं, चलिए गैस कांस्टेंट का कर लीजिए, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगा दे, देखिए कोई सा भी टर्म आपसे कहा गया कि इसका डायमेंशन बताओ, उस टर्म का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको याद है उससे आप डायमेंशन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सिंपल फॉर्मूला, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने विस्कस नीटा का फॉर्मूला यहां से निकाला सिर्फ यहीं से निकला, कहीं से भी निकल सकता है, ये नहीं कि मैंने कहा कि यंग मॉडुलस का यहां से निकला सिर्फ यहीं से निकलेगा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला मुझे सबसे सिंपल ये याद है, मैंने यहां से निकाल लिया, दैट्स ऑल, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कौन सा एक और ले ले, जैसे मान लीजिए कौन सा बोला, गैस कांस्टेंट का ले लेते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पढ़ाया फॉर्मूला ये चीज़, है कि नहीं है। तो पी वी इक्वल टू यहाँ से पी,
पी क्या होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर के बदले मैं लिख दूं फोर्स अपॉन एरिया, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू एन, और आर मेरा गैस कांस्टेंट, तो और टी, टी हमारा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वाला टी है ना, तो हमको गैस कांस्टेंट निकालना था, तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी एक बार मैं चेंज कर देता हूं, तो पी वी बाई एन इन टू टी इक्वल टू आर होगा कि नहीं होगा। अब पी का लिख दीजिए, सारा डायमेंशन लिखना है, पी का फोर्स, फोर्स इंटू प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया, तो एरिया का कितना हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम बोले तो एल क्यूब डिवाइड बाई एन। देखिए अब यहां पे कहीं कहीं आपको ये मोल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं एन को मोल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो, मोल है वो भी सही है, मोल नहीं है वो भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। चीज इंटू टेम्परेचर का याद है आपको के, टेम्परेचर क्या याद है के, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एल स्क्वायर से ये क्यूब चला जाएगा तो क्या बचेगा एम तो ऊपर बच, और से ये क्यूब है ना, ठीक है एल स्क्वायर से गया तो यहां से एल स्क्वायर बच जाएगा, यहां से देखिए एल स्क्वायर, यहां से एल है ना एक और एल स्क्वायर बन जाएगा, टी की पावर माइनस टू, के की पावर माइनस वन, और मोल भी अगर लिया तो मोल की पावर माइनस वन, अगर लिया मोल, तो नहीं भी लेंगे तो चलता है, दोनों के हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये मोर प्रिसाइज्ड हो गया, लेकिन यूजुअली बहुत सारे बुक्स में मोल को कंसीडर नहीं करते हैं, तो आप भी कंफ्यूजन ना हो इस बात में, ये समझ में आ गया, किसी भी क्वांटिटी का, जैसे किसका ले ले, चलिए एक और कोई बोल दीजिए जल्दी से, अच्छा एक ऑप्टिक्स में से भी कर लेते हैं, जैसे किसका कर ले, मान लीजिए कोई सा भी नाम बोल दीजिए, ऐसा कर लें, क्या बोलते हैं उसको ऑप्टिक्स में, क्या बोलते हैं उसको, म्यू का कर लेते हैं है ना, चलिए ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, भाई क्या होता है हमारा म्यू, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इंटू मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इंटू एयर, यही तो इज इक्वल टू हमारा म्यू होता है, नहीं होता है क्या, है ना, तो यहाँ से क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट का, भाई दोनों स्पीड और स्पीड, तो डायमेंशन म्यू का कितना हो जाएगा, देखिए इसका भी क्या हो जाएगा स्पीड है ना मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर भी क्या होगा एल टी माइनस वन, नीचे भी एल टी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा म्यू, ये कैंसल, तो म्यू का क्या बनेगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, नहीं हुआ भाई, नहीं बनेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, अच्छा ये बात समझ में आएगा डायमेंशन कैसे लिखते हैं, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखला हो उसका फंडामेंटल आप कोशिश कीजिए कि सबसे इजिएस्ट फॉर्मूला जो आपको याद है वो फॉर्मूला आप लिखिए, उसका यूनिट लिखिए और डायमेंशन उसका नोट डाउन कर सकते हैं, समझ गए इस बात को, मैं कम से कम 15-16 क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए भी दूंगा क्वेश्चन में, आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा और एक बात और समझने की क्या है यहाँ पे, कि देखिए अभी हमने आपने देखा कि जैसे 6 पाई नीटा आर भी था, अभी था ना यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर भी, या जी था कि नहीं था, तो हमने कहा 6 पाई को निगलेक्ट कर दीजिए अभी, क्यों कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास ना दो, हम क्या पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल है कि नहीं है, तो हमारे पास फिजिक्स में दो टाइप का कॉन्स्टेंट होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट और एक होता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, एक होता है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट और एक क्या होता है हमारा डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। तो जैसे हमने जी पढ़ा तो जी भी कांस्टेंट है लेकिन ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसमें डायमेंशन था, जैसे नीटा हमने पढ़ा इसका डायमेंशन है लेकिन जैसे डायमेंशन लेस, 6 पाई का डायमेंशन नहीं है, 6 पाई का डायमेंशन नहीं है, है ना, जो भी मैथमेटिकल नंबर वाला जो भी हमारा कांस्टेंट है मैथमेटिकल नंबर वाला 6 पाई 2 पाई, जैसे अपन क्या होता है फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इसका तो डायमेंशन है, इस 2 पाई का डायमेंशन नहीं होगा। तो ऐसा बहुत सारा कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है फिजिक्स में जिसमें जो हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो सकता है ना, तो हमारे पास दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इस पे हम लोग और डीपली चर्चा करेंगे, किसमें डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग चर्चा करते हैं जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं डायमेंशन का, इस बात को याद रखेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आप डायमेंशन लिखना सीखिए, कैसे लिखना है डायमेंशन को अच्छे से, बहुत ही क्लियर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से हमेशा ही आया गया, हमेशा ही पूछा जाता है और कई बार तो सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की बात कर देता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम देखेंगे कैसे करता है, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से कंसेप्ट करते जाइए, अगले टॉपिक की चर्चा अगले क्लास में की जाएगी। ओके पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, मस्ती में रहिए, सब सेफ रहिए, थैंक यू वेरी मच।